छात्र आता है जिसका नाम क्या था? वारुणी। क्या था? वारुणी। क्या था? वारुणी। जोर से बोलो वारुणी। हुआ ये कि वो गुरु का आदेश, गुरु ऑर्डर दिए, आदेश दे दिए कि जाओ वो अमुक खेत में जो धान खेती किए हैं वहां से पानी सब भाग रहा है, वो पानी को काटना है और चेक करना है, बंद करना है। अब वो लड़का शायद शहर से आया होगा या फिर उसका बाप के दिन में कभी खेती नहीं किया होगा, तो पहुंच गया जमीन में क्योंकि गुरु का आज्ञा है, गुरु आदेश दिया है तो करना पड़ेगा। उस समय का तो नहीं था ना, मेरे को क्यों बोल रहे हो, हम क्यों जाएंगे, बस समझ में आ रहे हैं। उस समय ऐसा नहीं था, तो वो चला गया जमीन में। वो जाने से बोल सकता था हम क्यों जाएंगे, वो अरे रुको ना उनको बाद में जाओ, ए बाबू उनको बुलाओ 15 मिनट के बाद बात करेंगे। तो सोचो क्या हुआ, पर उन्हें निकला जमीन पे, कभी काम सीखा नहीं, कभी किया नहीं, तो पत्थर दे तो पत्थर पानी के पानी बहा के ले जाता है, लकड़ी ला के रखता है तो लकड़ी भी बहा के ले जाता है, कौन ले जाता है, पानी ले जाता है, माटी दे माटी भी ले जाता है। और कभी काम सीखा नहीं था तो इसलिए कुड़ी वगैरह भी नहीं लिया था, कुदाली वगैरह भी नहीं लिया था, औजार कुछ नहीं लिया था, ठीक है। तो क्या परिस्थिति हुआ, नहीं हुआ, बहुत प्रयास किया, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। अब साधारण लड़का होने से क्या करता, आ गया हो नहीं हो रहा है छोड़ के आ गया। आज का बच्चा क्या बोलेगा, नहीं हो रहा है सर वो, या फिर ऐसा बोलेगा हमको पैसा दे रहा है जो काम करेंगे, वरुणी बोला था ऐसा, गुरुकुल है ज्ञान ले रहे हैं, आपको ज्ञान दिया जा रहा है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूं उसका कीमत क्या है, 140 रुपया सरकारी लेबर का पेमेंट, 140 रुपया, मेरा ज्ञान तो अनमोल है, तो उसके बदले कुछ थोड़ा सा कोई काम कर देगा तो उसका पेमेंट मांगेगा क्या, फिर हम बोलेंगे हम ज्ञान दे रहे हैं हमारा ज्ञान का पैसा दो, हो सकता है ऐसा, प्रोफेसर में संबंध हो सकता है, अच्छा संबंध, अच्छा रिलेशन बन सकता है, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, वो गंदा रिलेशन। तो बारूणी क्या कर रहा है, माटी डाल रहा है, क्या डाल रहा है, पत्थर डाल रहा है, क्या डाल रहा है, लकड़ी ढूंढ के ला डाल रहा है, क्या डाल रहा है, लेकिन पानी रुका नहीं, बहुत परिश्रम किया नहीं रुका, 5 घंटा 6 घंटा लगा, आखिरी में क्या किया, वो पानी में माड़ में सो गया, रात भर सोया है, गुरु का चिंता बढ़ गया, अरे अभी तक आया नहीं, उसको माटी थोड़ा रोक के आने के लिए बोला, आया नहीं, रात को सब चेला चमुंडा पकड़ के लांठन लेके गुरु के पास, गुरु और सब शिष्य रात को ढूंढने लगे, ढूंढने के लिए निकले और चिल्लाने लगे, बारुणी बारुणी कहाँ हो, वो पानी लग के तो बेहोश हो गया, फिर बड़ा मुश्किल से उसको पाए उठाए, और गुरु उसको बोले कि तुम्हारा ये गुरु भक्ति, तुम्हारा ये गुरु का वचन को मानने के कारण तुम इतिहास और पुराण के पृष्ठा में रहोगे, और उसका इस प्रकार का काम के लिए आज याद कर रहे हैं, किसको, वारुणी को, और उसका नाम पे किताब है, और वो एक किंवदंती पुरुष होके रह गया कि नहीं। अगर वारुणी बोला होता गुरु को पैसा कितना दे रहा है जो काम करेंगे, वारुणी बोलते खाली काम काम करा थे बे मास्टर गो, इतना खाने कहन काम काम कहला, हमरे काम करे काहे कि पढ़े काहे, हमरे के बेटी खटा थे, हमरे हड़िया है कि मुलिया है कि, वारुणी बोला था नहीं, और बोला होता तो आज उसको याद करते, वो महान हुआ होता नहीं। अंग्रेज इस देश का जो शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है,
इसको इसीलिए खुला, महाराज तेरे को उंगली क्या मांग रहा है, जमीन मांग रहा है, उंगली सीधा बैठो ना, सीधा बैठो, हाँ पीठ सीधा करो, देखो मेरा छाती कैसा है, हम खटिया में बैठे हैं। हाँ, अंग्रेज लोग इस देश में अपना धर्म चलाया, अपना शिक्षा चलाया, अपना नीति चलाया, तो जो शिक्षा चलाया, शिक्षा में खतरा क्या कर दिया जानते हो, उसके बाद उनका नौकरी चलाया, नौकरी में क्या, 8 दिन ड्यूटी में 1 दिन ऑफ, 7 दिन ड्यूटी में 1 दिन ऑफ, 6 दिन ड्यूटी में 1 दिन ऑफ, हफ्ता में सीएल 10 ठो, ईएल 20 ठो। तुम्हारा घर में तुम्हारा माँ बोलती कि हम 7-6 दिन ड्यूटी कर लिया, 1 दिन मेरा ऑफ है, खाओ खाओ नहीं तो मरो भूखे। कैसे होता, उंगली चलाने के लिए सेकंड टाइम मना किया, थर्ड टाइम मना नहीं करूंगा, उठ के सीधा यहां से ठोकूंगा जाके, और मेरा मार तुम नहीं जानते हो, मुंह देता है आदमी पेंट में। ठीक है, तो शिक्षा पद्धति में क्या लगा दिया कि सबसे पहले जो जितने पढ़ा सते, हाँ जो जितना पढ़ेगा उतना मूर्ख बन जाएगा, जितने पढ़ुआ सते कुड़िया वो कामचोर हो जाएगा, सोए रहेगा खटिया में। और उनको क्या करना, शूद्र बना देना, क्या बना देना, शूद्र माने जाति विशेष नहीं, कर्म विशेष, सु माने जो ज्यादा सोना चाहता है, थोड़ा टाइम मिला क्या करेगा, देख लो, द्र जो जिंदगी भर दरिद्र रहता है, ये ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र का सूत्र नहीं कह रहा हूं मैं, शूद्र का माने यही है, सोएगा जिंदगी भर दरिद्र रहेगा, सरकार दे दिया 1 रुपया किलो चावल खाएगा, अभी तो शहर में और बढ़िया कर दिया, 5 रुपया लेके जाओ पेट भर भात खाओ, और काम धंधा कुछ नहीं, टेंशन नहीं, रिक्शा अभी रिक्शा वाला लोग खड़ा रहेगा शहर में, उनको बोलेगा ये भाई थोड़ा वो सामान हो जाना है, क्यों जाएंगे हम, क्यों जाएंगे, 5 रुपया मिल गया भात एक पेट ठोक दिया, 10 रुपया मिल गया हंडिया पिया सोया है, आदमी चले कितना नहीं चले कितना, जितना ऑटो वाला जितना रिक्शा वाला 5 रुपया का भात मिल रहा है, काम करने जाएगा, तो सब पैरालाइज हो रहा है, सब धीरे धीरे कामचोर हो रहा है, ठग हो रहा है, ये परिणाम है हमारा आज। अब वो ऑटो खड़ा रहेगा, 5 रुपये भात खाना है तो काम करेगा नहीं। अभी जैसे गांव में देख लो, 60 साल हो गया ये गांव डिस्प्लेस हो के, ये आमने सामने जो घर है आज भी दरिद्र अवस्था में है, क्यों, क्योंकि मेहनती नहीं है। और अगर हम जैसे कोई स्कूल बच्चों को मेहनती कराने के लिए कोशिश करेंगे तो, हम जैसे कोई गुरुकुल उनको मेहनती कराने के लिए कोशिश करेंगे तो बाकी सारा स्कूल पैर खींचेगा, मेहनती करा रहा है। तो यहाँ के जो धनी वर्ग हैं वो क्या चाहते हैं, ये लोग गरीब रहे, ये लोग दरिद्र रहे, और हमारे डंफर डोजर ट्रैक्टर में बेलचा मारे और नौकर रहे, मालिक नहीं रहे, इनको आर्थिक स्थिति उनका जैसे दुर्बल है ऐसा दुर्बल रहे, और ये लोग कामचोर हों, ठग हों, आलसी हों, उनका विचार यही है, उनका लक्ष्य भी यही है। तो क्या चाहते हो आप, दुर्बल होना चाहते हो, कामचोर होना चाहते हो, ठग होना चाहते हो, आलसी होना चाहते हो, या मजबूत, क्या, तो सोए रहने से, कराटे क्लास के टाइम में सोए रहने से मजबूत बनोगे, योग क्लास के टाइम में बुलाने से नहीं आओगे तो मजबूत बनोगे, देख लो आपके हाथ में है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, क्लोज इट।